दिस प्रोग्राम प्रेजेंटेड बाय हमदर्द रुअफ़ज़ा द ड्रिंक ऑफ इंडिया। नाज़रीन, खबर अब जम्मू कश्मीर से। चिनार कॉर्प्स के डैगर डिवीज़न के ज़ेर एहतमाम पीर पंजाल ब्रिगेड ने बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन के 14 माहिर डॉक्टरों की टीम के साथ मिलकर एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी में एक बड़े मेडिकल कम वेटरनरी कैंप का इनेकाद किया। उरी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब दूर दराज गाँव थजल में भी ये पहल उस वक्त सामने आई जब हिंदुस्तान G20 की सदारत कर रहा है, जिसका मकसद सेहत के इकदामात को तरजीह देना और मजबूत करना है। मैं आज हमारी माइक बटालियन की तरफ से, सोलर सप्लाई की तरफ से यहाँ जो कैंप लगा है मेडिकल कैंप, इसमें वेटनरी कैंप भी है, डॉक्टर साहिबान भी है, बाकी बहुत सारे हर बीमारी के डॉक्टर साहिबान यहाँ लाए हैं। बाकी दूर दूर से 4 गांव हमारे पड़ते हैं और 4 गांव से लोग आए हैं यहाँ। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं अल्लाह ताला की मदद से कि आज हर जो बीमार उड़ी नहीं पहुंच सकता था उसको यहाँ पर चेकअप करके दवाई दी जा रही है, तो हम शुक्रगुजार हैं फौज की तरफ से। ऐसे कैंप जो हर जगह हर गांव में लगने चाहिए, बार बार लगने चाहिए, महीने में कम से कम एक बार, जिसमें आम गरीब जनता को काफ़ी फैसिलिटी मिल जाती है। पुंछ में कन्वियान पंचायत के महल उमर कॉलोनी के नज़दीक ज़मीनों को पानी पहुँचाने की गर्ज से बनाई जा रही नहर का मकामी आवाम ने अपनी शदीद नाराज़गी का इजहार किया और मुतल्लिका ठेकेदार के खिलाफ गैर मेयारी प्लान और काम करवाए जाने का इल्ज़ाम लगाया है। मकामी लोगों ने ज़िला तरक्याती कमिश्नर यासिन मोहम्मद चौधरी से इसकी जाँच करवाए जाने का मुतालबा किया है। इनके मुताबिक पुरानी नहर को बंद करके सिर्फ पैसे निकालने के लिए बराए नाम नहर तामीर की जा रही है, जिसमें आवाम की ज़मीनों और फसलों को शदीद नुकसान होगा, जबकि मुतल्लिका सरपंच ने इन इल्ज़ामों को खारिज किया है। यहाँ एक कुल बन रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये पहले से बनी हुई है। मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले ये 3 फुट चौड़ी थी, अब इन्होंने फुट बाई फुट क्लोज कर दी, लिहाजा ये पहले भी गवर्नमेंट का पैसा खर्च हुआ हुआ है। दोबारा इसको चौपड़ चापड़ के जो पैसा ठेकेदार निकाल रहे हैं उसका नाम है मोहम्मद याकूब आरओ कस्बा। तो इसे मेरी डीसी साहब से भी, जिस महकमे से ये पैसे आया है उससे भी गुजारिश है कि इसमें नज़रसानी की जाए। ऐसे करप्शन क्यों चल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब जिस जगह में गवर्नमेंट का पैसा लग गया वहाँ दोबारा उसको मिस यूज नहीं करना। बात हमारी आगे जानी चाहिए, आगे जमींदार बहुत हैं, ये फुट बाई फुट कर दी, उनको पानी नहीं मिलेगा, ये यहाँ से ड्रेन ऊंची कर दी, पीछे थोड़ी जमीन है, मक्की बोते हैं, तो वो पूरा फसल तबाह हो जाएगा, बहुत नुकसान है। आगे बहुत जमीनें और ये पानी नहीं जाएगा, पीछे जो 5-6 कनाल है वो भी तबाह हो जाएगी, क्योंकि पानी ओवरफ्लो हो जाएगा, मक्की तबाह हो जाएगी। इन्होंने अपना काम करना है, ये कस्बा के हैं, ना कि हमारे बारे में कोई सोचेगा, तहकीकात होनी चाहिए, हमारी डीसी साहब से ही गुजारिश है। लेकिन इस नहर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एक इरिगेशन की नहर है, जिससे ये कमांड एरिया डेवलपमेंट से ये प्रोजेक्ट है, जिन्होंने आगे ये उसकी ब्रांचेज में आगे लोगों की जितनी भी फसलें हैं उनमें ये एक छोटी नहर देनी है। पहले जो नहर बनी हुई थी वो एक कच्ची नहर थी और कोई उसका ये नहीं था कि वो परफेक्ट 3 फुट थी या 4 फीट थी, कितनी थी वो, कहीं से छोटी थी कहीं से मतलब खुली थी वो, और जिसके लिए ये अब जब ये काम लगेगा, इन्होंने तो प्रॉपर जो इनकी ड्राइंग होगी, जो इनको अलाटमेंट हुई है उस हिसाब से ये पूरी ड्रेनेज सिस्टम जो बनाना है आगे तक, ताकि लोगों को फसलों में पानी अच्छे से जा सके, इसलिए हमने ये प्रोजेक्ट सेंक्शन करवाया था। और जहाँ तक एहतजाज की बात है, ठीक है, हम भी सुबह जब उन्होंने मुझे कॉल की तो मैंने भी उनसे बात करके, फिर मैंने कंसर्न डिपार्टमेंट से बात की क्या ऐसा हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि ऐसी पॉसिबिलिटी कुछ नहीं है, देखिए हम भी कॉन्ट्रैक्टर से कोई गलत काम नहीं करवा सकते हैं। अब उसको अलाटमेंट जितनी हुई है, जो ड्राइंग है उन नहरों की, वो उसी पे काम करेगा, ना कि हमारे कहने पे चलेगा कि नहीं जी आपने ऐसा करना है ऐसा करना है। पुंछ में आज म्युनिसिपल कमेटी सूरनकोट की तरफ से मेरी ज़िंदगी मेरा स्वच्छ शहर की तर्ज पर वजारत हाउसिंग और शहरी उमूर की जानिब से एक प्रोग्राम शुरू किया गया। इस मुहिम के तहत तमाम शहरों को रीयूज़ और रिसाइकिल सेंटर कायम करने की तरगीब दी जाएगी। शहरी इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक की अशिया, पुरानी किताबें, इस्तेमाल शुदा कपड़े वगैरह दे सकते हैं, जिन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, आज सूरनकोट म्युनिसिपल कमेटी द्वारा एक प्रोग्राम जो है बस स्टैंड में रखा गया है, यहाँ कैंप लगाया गया है जो कि आज से शुरू हुआ है और 5 जून को ये ख़त्म होगा, जिस दिन हमारा वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे है, तो उस दिन ये इसको कंक्लूड किया जाएगा।
या यही कहा कि प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते हैं कि हमें स्वच्छ रहना है, अपने शहर को साफ सुथरा रखना है, उसी की तर्ज पर मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स द्वारा ये कार्यक्रम जो है पूरे भारतवर्ष में चलाया गया है, जिसमें मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर और उसके तहत ये कार्यक्रम जो है वो चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोगों से यही प्रार्थना करते हैं कि जितना भी सामान घर में वेस्ट पड़ा हुआ है उसको खुले में ना फेंके, उसको म्यूनसिपल्टी को दें, ताकि जैसे जिसकी शक्ल में कपड़े हो सकते हैं, फुटवेयर हो सकता है, खिलौने हो सकते हैं, और भी जितना सामान आपके घर में पड़ा है किसी गरीब के काम आ जाए या रिसाइकल होकर दोबारा बने, उसी की तर्ज पर आज हमने यहाँ कैंप लगाया है। हमें लोगों का बहुत बड़ा समर्थन मिला है, लोग भी चाहते हैं कि हमारा शहर जो है वो साफ सुथरा रहे। दिस प्रोग्राम प्रेजेंटेड बाय हमदर्द रुअफ़ज़ा, द ड्रिंक ऑफ इंडिया।